हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सिविल नोटबुक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं और क्यों हम लोग ग्रिलेज फाउंडेशन का यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो पे डिटेल्स पे चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर के वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी फाउंडेशन का काम क्या होता है, ये मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग हो सकता है, ये ब्रिज हो सकता है। ओके, तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर की लोड को मुझको जमीन पे सेफली ट्रांसफर करना है, तो ये क्या करेगा, लोड को कॉलम पे ट्रांसफर करेगा और कॉलम क्या करेगा, इस लोड को फाउंडेशन पे ट्रांसफर करेगा। अब फाउंडेशन का काम है इस लोड को सेफली जमीन पे ट्रांसफर करना। तो ये होता है किसी भी फाउंडेशन का काम। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आप सॉयल की लेयर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, सॉयल की ऊपर की साइड जो लेयर्स होता है, इनका डेंसिटी कम होता है, इनमें बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा नहीं होता है। अब मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर की लोड कम है, स्ट्रक्चर की लोड कम है, तो उस केस पे देखिए यहाँ पर हम लोग सैलो फाउंडेशन बना सकते हैं। ओके, उस केस में देखिए हम लोग सैलो फाउंडेशन बना सकते हैं। तो ये क्या है, एक सैलो फाउंडेशन। ओके, अब मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर की लोड बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर की लोड मान लीजिए हेवी लोड आ गया। ओके, यहाँ पर मान लीजिए हेवी लोड आ गया। अगर हेवी लोड आ जाता है तो उस केस पे सॉइल की जो टॉप लेयर्स है उनमें इतना बियरिंग कैपेसिटी नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग देखिए सैलो फाउंडेशन बना नहीं सकते हैं। तो उस केस पे हम लोगों को जाना पड़ेगा डीप फाउंडेशन पे, हम लोग सॉइल की डीपर लेयर्स पे चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग डीप जाएंगे तो नीचे की तरफ हम लोगों को ज़्यादा डेंस सॉइल मिलेगा, एक हार्ड रॉक स्ट्रेटा मिल जाता है, तो इस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से देखिए जो डीप फाउंडेशन है ये हेवी लोड को कैरी कर सकता है। यहाँ पर देखिए जो लोड है ये क्या है, हेवी लोड। सो हेवी लोड को देखिए कैरी कर सकता है डीप फाउंडेशन। ये मान लीजिए है पाइल फाउंडेशन। ओके, तो इसलिए हम लोग पाइल फाउंडेशन पे जाते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, कुछ केस पे क्या होता है, कुछ कुछ केस पे क्या होता है, देखिए जो लोड है ये हेवी होता है। मैं लिख देता हूं लोड, स्ट्रक्चर की जो लोड है बहुत ही ज्यादा है। ओके, दूसरा चीज है देखिए, सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है, क्या है, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी कम है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है। और तीसरा चीज, हम लोग ज़्यादा डेप तक भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत डेप तक हम लोगों ने गया, तो ज़्यादा डेप तक हम लोग नहीं जा सकते हैं। ओके, या फिर हम लोग ज़्यादा डेप तक नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उस केस पे सॉल्यूशन क्या है, उस केस पे देखिए हम लोग सैलो फाउंडेशन भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देखिए लोड जो है बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग डीप भी नहीं जाना चाह रहे हैं। तो उस केस पे सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग यूज करेंगे ग्रिलेज फाउंडेशन। तो वहां पर देखिए हम लोग यूज करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन को। ओके, सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देख लीजिए ग्रिलेज फाउंडेशन का डेफिनेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन कॉन्सिस्ट ऑफ वन और मोर टायर्स ऑफ बीम्स, स्टील और टिम्बर सुपर इम्पोज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर ऑन ए कॉन्क्रीट लेयर टू डिस्पर्स लोड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। सो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है, देखिए जो ग्रिलेज फाउंडेशन है, ग्रिलेज फाउंडेशन पे एक या एक से ज़्यादा लेयर पे बीम होता है। ओके, अब ये जो बीम है ये स्टील का भी हो सकता है, ये टिम्बर का भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये मान लीजिए रेड कलर पे मैंने मेंशन किया है, ये है पहला लेयर, बीम्स की पहला लेयर, तो बीम की यहाँ पर आप आई सेक्शन देख सकते हैं। और ये देखिए इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन का नेम मैं दे देता हूँ एक्स डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर आप देख पाएंगे ग्रीन कलर्स पे और बीम्स की लेयर है, और इन बीम की डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन है, इसको मैं मान लेता हूँ वाई डायरेक्शन। अब ग्रिलेज फाउंडेशन पे क्या होगा, अगर ये लेयर एक्स डायरेक्शन पे है और दूसरा लेयर वाई डायरेक्शन पे है, तो एक्स एंड वाई डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री का। ओके, एक दूसरे की परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, ये मान लीजिए एक्स और ये है वाई डायरेक्शन। सो दोनों लेयर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे रहेगा। ओके,
अब दूसरा चीज, जैसे मैंने बोला ये जो बीम्स है ये आपका हो सकता है स्टील का, ये हो सकता है आपका टिम्बर का। अब ये जो बीम्स की लेयर्स है ये किसके ऊपर रेस्ट करेगा, कंक्रीट लेयर के ऊपर रेस्ट करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या है, कंक्रीट की लेयर, कंक्रीट की लेयर के ऊपर रेस्ट करेगा। जो क्या करता है, जो हेवी लोड आ रहा है इस हेवी लोड को एक एक्सटेंसिव एरिया पे डिस्पर्स कर देता है। ओके, तो ये है आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन पे जनरली हम लोग 1 से लेके 1.5 मीटर डेप तक हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग हेवी लोड डाल सकते हैं और हम लोग को ज़्यादा डेप तक भी जाना नहीं पड़ रहा है। ओके।